नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये i10 है गाड़ी, उसके अंदर है ना प्रॉब्लम है कि पावर स्टीयरिंग है ना उसका काम नहीं करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। अभी मैं इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ, ये गाड़ी को मैंने चालू कर दिया। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है लेकिन इसके अंदर EPS का लाइट आ रहा है, RPM मीटर नीचे है और ये स्टीयरिंग हार्ड है। मैं अभी इसे घुमा रहा हूँ तो जाम जा रही है, एकदम ताकत लगा रहा हूँ और EPS का लाइट शो हो रहा है अंदर। तो उसके अंदर और एक चीज़ देखेंगे तो उसके अंदर है ना उसका जो RPM मीटर है वो वर्किंग नहीं कर रहे हैं। ये गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी स्टार्ट है फिर भी वो RPM मीटर उसका नहीं चल रहे। तो वापस मैं एक बार वापस बंद करके दिखाता हूँ। पहला उधर ये गाड़ी मैंने बंद कर दिया, दबा देना बाद उधर ही ले। ये स्विच ऑन किया, अभी सेल्फ मारता हूँ। गाड़ी तो स्टार्ट हो गई लेकिन ये RPM मीटर काम नहीं कर रहा है, उसके अंदर EPS का लाइट आ रहा है। ये गाड़ी को रेस कर रहा हूँ लेकिन ये RPM मीटर काम नहीं कर रहा और EPS का लाइट आ रहा है। अभी देखेंगे उसको डायग्नोस कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आगे उसका एक मेन फ्यूज रहता है EPS का, वो चेक करते हैं कि वो बराबर है क्या। मैंने उसको इग्निशन स्विच ऑन किया क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं फास्ट बताना चाहूँगा कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसा चेक करते हैं। तो इधर यहाँ पे सीधा शो लिखा है इधर MDPS, जो ये 80 एम्पेयर का फ्यूज़ है वो EPS का रहता है। तो उसमें अपन पहले सप्लाई चेक करेंगे आ रहा है क्या, तो ये देख सप्लाई आ रहा है, मतलब अपना फ्यूज ओके है। अभी फ्यूज ओके है तो अभी आगे का स्टेप देखेंगे कि उसके अंदर और क्या प्रॉब्लम है। इसके अंदर और एक फ्यूज़ रहता है, फ्यूज़ ओके है और समझो अपने को ओके है फ्यूज़, तो अपने को और एक जगह पे कंफर्म कर सकते हैं। ये इसका EPS का ये अपना EPS मोटर का जो सॉकेट है, मेरे को दो तीन कमेंट आया था कि प्रैक्टिकली बताओ, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। ये जो EPS मॉड्यूल का ये जो कपलर है 20 पिन का, उसके अंदर जो एक नंबर है पीला पिन वाला, ये पीला कलर में, उसके अंदर इग्निशन स्विच का मेन आना चाहिए। तो अपन इग्निशन स्विच ऑन है, अभी उसके अंदर देखेंगे कि इग्निशन स्विच ऑन का इग्निशन स्विच का मेन आ रहा है क्या। तो ये देखो इसके अंदर मेन आ रहा है, मतलब EPS को सप्लाई हो रहा है। EPS को सप्लाई हो रहा है मतलब उसका मेन जो इसका मेन आ रहा है और इसके अंदर जो मोटर का है ये मोटर में लगा है। अभी ये होने के बाद यहाँ पे इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर गाड़ी चालू होने के बाद में इसके अंदर 10 से 12 वोल्ट शो होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरा कपलर है उसमें तो एक मेन और एक ग्राउंड आएगा और ये जो यहाँ से जो मोटर में निकलती है उसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर 12 वोल्ट शो हो रहे क्या।
तो उसके अंदर 12 वोल्ट आना चाहिए। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है वो भी उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं। ये अपने एक महीने जुगाड़ किया हुआ है, एक सेम कपलर बनाया है जो मोटर के अंदर जाता है मोटर। तो अपन ने टॉर्च चालू करना थी, ये मैंने एक एक्स्ट्रा कपलर लगाया इधर, एक्स्ट्रा कपलर लगाया यहाँ पे डायरेक्ट एक मेन एक ग्राउंड आएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा गाड़ी चालू होने के बाद में, गाड़ी का स्टेयरिंग हिलाने के बाद वो इसका अंदर का मोटर ऑन होना चाहिए, जो ये ईपीएस मोटर है ये ऑन होना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो अभी इसको मैंने निकाल दिया डिसकनेक्ट करके, अभी ये दूसरा कपलर एक एक्स्ट्रा ऐड में मैंने इधर लगा दिया। तो अभी इसके अंदर मल्टीमीटर के ऊपर अंदर देखेंगे कि उसके अंदर वोल्टेज शो हो रहेगा, गाड़ी चालू होने के बाद इसके अंदर 10 से 12 वोल्ट आना चाहिए इसके अंदर। तो देखेंगे मैंने मेन ग्राउंड दे दिया अलग से जो ये मोटर को निकलता है। और अभी है ना यहाँ पे अपन सेल्फ मार के देखते हैं इसको कि सेल्फ मारने के बाद में यहाँ पे 12 वोल्ट शो होना चाहिए। तो सेल्फ मारा मैंने, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी एक्सीलरेट करता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्टेयरिंग का मूवमेंट हिला रहा हूँ तो इसके अंदर इग्निशन स्विच का सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब 10 से 12 वोल्ट के अंदर इधर सप्लाई आना चाहिए वो सप्लाई नहीं आ रहा है। इसका मतलब है ईपीएस से सप्लाई बाहर नहीं निकल रहा है, इसके वजह से मोटर वर्किंग नहीं कर रही है। और दूसरी बात, अभी तो गाड़ी स्टार्ट है उसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर है ना आरपीएम मीटर, जैसा भी मैं एक्सीलेटर को प्रेस करता हूँ, एक्सीलेटर मैंने दबाया गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन आरपीएम मीटर का काटा ऊपर नहीं जा रहा है और ईपीएस का लाइट कंटिन्यूसली शो हो रहा है और स्टेयरिंग हार्ड है। तो अभी देखेंगे उसको कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। तो मैंने पूरा वायरिंग चेक किया, उसके अंदर फ्यूज चेक किया, कपलर के अंदर मेन सप्लाई चेक किया, उधर ईपीएस के एक स्विच में मेन और एक आर्पिंग आना चाहिए आ रहा है, लेकिन जो मोटर को जाता है ईपीएस से जो सॉकेट निकलती है ये इसके अंदर, ये मोटर की सॉकेट है, इसके अंदर ईपीएस से 12 वोल्ट नहीं निकल रहा है, इसके वजह से स्टीयरिंग हार्ड है। तो अब ये उसको अपन शॉर्ट आउट करेंगे कि कैसा शॉर्ट आउट करने का प्रॉब्लम। तो और एक बार मैं आपको रिपीट करता हूँ कि आपको ऐसा कभी केस आता है कि इसके अंदर आरपीएम मीटर शो नहीं करता है, तो उसका पहला वायरिंग चेक, फ्यूज चेक करने का, वायरिंग चेक करने का, उसके बाद में मैंने उसका अभी इसका मैंने दूसरा एक ईसीएम लाया है, ईसीएम लाया है, तो ईसीएम लगा के देखते हैं कि ये ईपीएस का प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है कि नहीं। पकड़े, ये मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, ये गाड़ी का ईसीएम था। अभी इसके अंदर ये जो ईसीएम है, ये ईसीएम के अंदर कोडिंग आता है, लेकिन मैंने जो ईसीएम बनाया है ऐसा पकड़े, इसको इधर पकड़, इधर पकड़े ऐसा, इसके अंदर जो है ये दूसरा ईसीएम है,
तो उसका अपन देखेंगे कि उसके अंदर ECM डालने के बाद में प्रॉब्लम जा रहा है क्या नहीं। मैंने ECM फिटिंग कर दिया, ये गाड़ी का ओरिजिनल ECM है और इसका ऊपर का भी पार्ट नंबर देख लो, पार्ट नंबर दोनों का सेम है। थोड़ा टॉर्च चालू कर। ये गाड़ी का ओरिजिनल ECM है, ये 93110-03106 यहाँ पे दिखाएगी, यहाँ पे भी आपको दिखेगा 93 39110-03206 तो अभी ये दूसरा ECM लाया तो उसको भी चेक करेंगे कि उसके अंदर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है क्या। मेन मसला था उसका स्टेयरिंग का, ये जो RPM है, RPM चढ़ने उठ नहीं रहा था गाड़ी चालू करने के बाद में, और EPS का लाइट शो हो रहा था। तो अभी स्कैनिंग नहीं करेंगे अपन, ऑडियो लंबा हो जाएगा, अपन डायरेक्ट चालू करते हैं। ये इसका थोड़ा इमो ऑफ किया हुआ है ECM, वो चेक करने के लिए रखा हूँ मैं। और ये अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ये गाड़ी को मैंने कर दिया स्टार्ट, इसको थोड़ा करता हूँ रेस। अभी ये काटा उठने लगा और ये EPS का लाइट भी इसके अंदर जो शो हो रहा था वो चला गया। और अपना अभी इसका एक मिनट, उसका वो कपलर नहीं लगाया मैं, एक मिनट कपलर लगा था उसका, लाइट दिखा नहीं थी इसका। एक कपलर मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया था, इसको हटाता हूँ मैं, थोड़ा उजाला आ रहा है उसका। एक मिनट, ये गाड़ी का ओरिजिनल लगाता हूँ मैं और इसके बाद देखेंगे। इसका स्विच ऑन किया, EPS लाइट आ गई, वापस एक बार बताता हूँ, फिर इसको अपन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुआ क्या नहीं। ये लाइट चला गया और EPS का लाइट भी चला गया और RPM मीटर उसका ऊपर शो हो रहा है, और अभी अपना स्टेयरिंग भी फ्री हो गया, एक उंगली से घूम रहा है। तो उसका पूरा मैंने खोला था इसके अंदर उसका, और मेरे को एक ऑप्शन ये भी पूछा था कि उसका स्मार्ट्रा का लोकेशन किधर आता है, तो इसका स्मार्ट्रा इसके पीछे आता है, ये इसका स्मार्ट्रा है। ये मीटर के पीछे आता है, इसके लिए वो क्लस्टर मीटर अपने को खोलना पड़ता है। तो ऐसा कभी केस आता है जिसके अंदर RPM मीटर शो नहीं होता है और EPS लाइट कंटिन्यू ऑन रहता है, तो आपको पहले फ्यूज वायरिंग EPS के सॉकेट के अंदर, जो मेन सॉकेट है उसमें मेन और एक ग्राउंड आना चाहिए, और ये जो दूसरा सॉकेट है इसके अंदर, ये जो येलो कलर वायर है उसके अंदर डायरेक्ट मेन आना चाहिए। इग्निशन डायरेक्ट मेन नहीं आएगा, इग्निशन स्विच का मेन आएगा, और ये जो बाहर निकलता है वो बाहर निकलने वाला वो मोटर में जाता है, तो EPS से जब भी सप्लाई